हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी एन फॉर यू चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एटीएम फ्रेंचाइजी हैं या जो किसी कंपनी से वाइट लेवल एटीएम लेकर चला रहे हैं। आज हम देखेंगे एटीएम में कैश लोडिंग करते समय कौन कौन से काउंटर का फोटो लेते हैं या प्रिंट रखते हैं और क्यों। सबसे पहले जब एटीएम में कैश लोडिंग करने जाएं तो एडमिन कार्ड डाल के स्विच काउंटर ले लें। ये जो आपने स्विच काउंटर लिया है, ये स्विच काउंटर बिफोर अनलोडिंग कहलाता है। ये यह बताता है कि स्विच के अनुसार एटीएम से कितना पैसा निकला है और कितना पैसा एटीएम में बचा है। अब एटीएम खोल के एटीएम के अंदर का एटीएम काउंटर ले लें। यह बताता है कि एटीएम के अनुसार आपके एटीएम से कितना पैसा निकला है और कितना पैसा बचा है। ये एटीएम काउंटर बिफोर अनलोडिंग कहलाता है। अब अपना फिजिकल कैश को टैली करके देख लें कि सब पैसे बराबर हैं या नहीं। अब एटीएम इंजीनियर तथा कंपनी के बताए अनुसार एटीएम में कैश लोडिंग कर काउंटर अपडेट करके डालें। काउंटर डालने के बाद काउंटर को ओपन करके फ़ोटो ले लें। ये एटीएम काउंटर आफ्टर लोडिंग कहलाता है। इससे यह पता चलता है कि एटीएम में कितना कैश डाला गया है। इसके बाद एटीएम को क्लोज करके एटीएम को ऑनलाइन आने दें। फिर एडमिन कार्ड डाल के काउंटर अपडेट करने के बाद एडमिन कार्ड से स्विच काउंटर का फ़ोटो ले लें। यह स्विच काउंटर आफ्टर लोडिंग कहलाता है। इससे यह पता चलता है कि आपने स्विच काउंटर कितना डाला है। ये चार फोटो अगर आपके पास रहते हैं तो आप कंपनी को जब भी ज़रूरत पड़े आप बता सकते हो कि हमने इतना इतना अमाउंट डाला था, वो भी विथ प्रूफ। मैंने एक ऑफलाइन एटीएम डेली रजिस्टर का फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसे भी आप भरकर ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मगर इसके साथ साथ चारों काउंटर का फ़ोटो ज़रूर रखें। चलिए देखते हैं एटीएम डेली रजिस्टर को कैसे भरें। यहाँ देखिए एटीएम डेली रजिस्टर, यहाँ पे डेट डाल दें जिस दिन आप लोडिंग कर रहे हो। इसको सिर्फ लोडिंग जिस दिन आप लोडिंग कर रहे हो उसी दिन भरें। प्रीवियस लोडिंग अमाउंट, जैसे आज आप लोडिंग कर रहे हो तो इससे पहले जब आप लोडिंग किए थे तो टोटल अमाउंट, सारा पैसा मिला के आपने कितना डाला था, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद एडमिन कार्ड स्विच रीडिंग, एडमिन कार्ड से एटीएम ओपन करने से पहले जो आप काउंटर लेते हो वो काउंटर की रीडिंग आपको यहाँ पे भरनी है। 2000 में कितना बचा है, कितना लोडेड दिखा रहा था, कितना डिस्पेंस दिखा रहा था 500 का, सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। उसके बाद एटीएम जब आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद बिना कैश को हाथ लगाए सीधे आप जो काउंटर लेते हो वो एटीएम काउंटर रीडिंग बिफोर लोडिंग का डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद ये साइड को अभी आपको छोड़ देना है, आपको यहाँ से ऐसे नीचे आना है। उसके बाद फिजिकल कैश डिटेल, अब उसके बाद आपको कैश वाले पोर्शन पे जाना है, वहाँ पे चेक करना है फिजिकल कैश इन कैसेट, 2000 के कैसेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, 500 के कैसेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, 100 के कैसेट में कितना कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, कैश फाउंड इन पर्ज बिन, रिजेक्ट कैसेट को पर्ज बिन भी बोला जाता है। रिजेक्ट कैसेट में 2000 का कितना नोट पड़ा हुआ है, 500 का कितना पड़ा हुआ है, 100 का कितना पड़ा हुआ है। डिस्पेंस एज पर एटीएम काउंटर, एटीएम का जो काउंटर है उसके हिसाब से 2000 का कितना नोट निकला हुआ बता रहा है, 500 का कितना निकला हुआ बता रहा है, 100 का कितना निकला हुआ बता रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे भरना है। और आज जो एटीएम में पहले से है वो छोड़ के आप आज जो आप एक्स्ट्रा मिला रहे हो, जैसे आप आज आपको 10,000 और डालना है एटीएम में, पहले से जितना भी अमाउंट हो लेकिन आज आप एक्स्ट्रा सिर्फ 10,000 मिला रहे हो, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करोगे आप कि जैसे आपने 2000 का कितना नोट उसमें आज डाल रहे हो एक्स्ट्रा, 500 का कितना आज एक्स्ट्रा डाल रहे हो, वो सारी डिटेल। ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक होगा कि आपका अमाउंट एग्जैक्ट है कि नहीं, टोटल डिस्पेंस अमाउंट आल डिनोमिनेशन। ठीक है, तो 500 का 2000, 500, 100 सब मिला के टोटल डिस्पेंस में कितना कितना बता रहा है अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और टोटल रिमेनिंग अमाउंट इन आल कैसेट प्लस रिजेक्ट कैसेट, टोटल 2000 मिला के, 500 मिला के, 100 मिला के, कैसेट
कैसेट्स में टोटल कितने अमाउंट हैं और रिजेक्ट का भी उसी में मिला देंगे। तो ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपने पिछले दिन जितना ऐड किया था पैसा, जितना लोड किया था, उस लोडेड अमाउंट के बराबर आना चाहिए। अगर कुछ कम है, ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। एक्सेस मतलब होता है जो ज़्यादा है, शॉर्टेज मतलब होता है अगर कम है तो शॉर्टेज बोला जाता है, ठीक है। उसको भी यहाँ पे एंट्री कर देंगे और यहाँ पे लोडिंग पर्सन का सेल साइन। टोटल अमाउंट ऑफ कैश लोडेड टुडे, आज टोटल अमाउंट यहाँ पे नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग टुडे लोडिंग प्लस रिमेनिंग, पहले जो बचा हुआ था एटीएम में वो भी मिला के, अब आज जो मिला है वो भी मिला के टोटल कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे लोडिंग कर दोगे, मतलब यहाँ पे आप लिख दोगे। यही अमाउंट अगले बार जब आप लोडिंग करोगे तो ऊपर में चला जाएगा प्रीवियस लोडिंग अमाउंट में। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितना पैसा आपका ज़्यादा है या कम है, या जब भी आप लोडिंग करोगे तो आपका पैसा चेक हो जाएगा हर बार कि एग्जैक्ट पैसा है या नहीं। उम्मीद है आपको कुछ नया पता चला होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।